हैं सर, कांटेक्ट करते हैं। कैसे कर रहे हैं बाकी लोगों को, आपका तरीका क्या है? कल भी चार पांच लोगों से बात हुई है। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं देखता हूँ कोई अच्छी स्कीम नहीं है। मैंने उनको अच्छी स्कीम नहीं है, जीवन लाभ बताया था। कौन सी स्कीम है आपके, आपने उनको स्कीम कौन सी बताई? अच्छा, जीवन लाभ नहीं है तो दूसरा बता दो, जीवन उमंग बताओ। जीवन उमंग में उनकी एज नहीं आ रही, 59 एज है उनकी। और जीवन उमंग 55, जीवन उमंग 55 साल का नहीं, एज आपने कितना बताया? 59 जी, 59 का एज है। ओके जी, तो 59 के अंदर आपने उनको प्लान कौन सा बताया? जीवन लाभ बताया 936 59 में। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर सबसे नीचे प्लान एडवाइजर लिखा है, प्लान एडवाइजर के अंदर हमने 59 डाला। 59 डालने के बाद व्यू किया, 59 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले प्लान आ रहा है, ये ढेर सारे प्लान आ रहे हैं। 59 में कौन कौन से प्लान हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट आ रही है लिखी हुई, इन 59 वाले सभी प्लान। जीवन लाभ, जीवन ज्योति, हाँ, तो 59 वाले सभी प्लान का यहाँ पर लिस्ट आ रहा है। और 59 वाले जो प्लान है यहाँ पर, उसके अंदर लिखा है अवेलेबल प्लान फॉर एज 59। तो 59 के अंदर एंडोमेंट प्लान हमारे पास, हाँ ये भी है हमारे पास, 860 भी है, बीमा ज्योति भी है हमारे पास, ये भी 59 में हो सकता है। हाँ, बाकी हमारे पास बचत प्लस भी बताया, बचत भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। और सबसे नीचे हेल्थ के भी दो प्लान लिखे हैं, जीवन आरोग्य लिखा है, कैंसर कवर लिखा है, ये भी दो नीचे लिखे हुए हैं। ये जीवन आरोग्य 904 ये भी बताया, हाँ 904 लिखा ना नीचे, सबसे नीचे जीवन आरोग्य 904 भी लिखा हुआ है जी, वो भी बताया है। हाँ जी, कह रहे मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो 2-3 दिन में ऐसा क्या होगा कि जो कि अभी नहीं हो सकता है? जी जी, ऐसा क्या होगा 2-3 दिन में जो अभी नहीं हो सकता है? 2-3 दिन में ऐसा क्या करेंगे? नहीं, आप देख रहे हैं कि मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, मैंने सर इससे ज्यादा फायदा किसी में होगा? आप उनको फायदे वाली स्कीम बता दो ना, आपके पास बीमा ज्योति अवेलेबल है, आप ये बीमा ज्योति बता दो, ये फायदे वाला प्लान है, बीमा ज्योति बता दो उनको, 0 से लेकर 55 साल तक एज। हाँ, आप देखो 3 से लेकर 60 साल तक, और बचत प्लस भी बताया, ये दोनों ही बताए हैं। तो 3 से लेकर 60 साल तक इसके अंदर अवेलेबल है। लाभ आपने कैलकुलेशन कर ही लिया है कि लाभ आपका कौन सी एज तक अवेलेबल है, वो सारी कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, 16-10 यहाँ पे 8 से लेकर 59 साल तक इसके अंदर सारा लिखा है टर्म के हिसाब से, 59 तक ये हो सकता है। और बीमा बचत है हमारे पास, बचत प्लस हमारे पास प्लान आ चुका है। हाँ जी, बचत प्लस भी है और बीमा ज्योति भी है। हाँ हाँ, ठीक है, एक्चुअली सारे के सारे प्लान इसके अंदर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ये जो ऑल इन वन है ना, तो जब इसके अंदर जब हम प्लान एडवाइजर के नाम से सर्च करते हैं तो सारे प्लान ये शो नहीं करता है, कुछ शो करता है कुछ इसके अंदर नहीं शो करता है। यहाँ पर आप इसमें यदि आप लीडर भी ओपन करेंगे तो लीडर भी ओपन करने के बाद देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये प्लान के अंदर ना, इसके अंदर ये वाली ऑप्शन नहीं है कि इसके अंदर यहाँ पर जब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल इसके अंदर नहीं आ रहा है जो अलग, जैसे जो एज के हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे इसके अंदर एज के हिसाब से सर्च करने का ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि इसके अंदर लीडर के अंदर वाला ऑप्शन अवेलेबल होता नहीं है। लीडर हम एक बार फिर से ऐसा लगता है कि हाँ जी, प्लान फीचर देख के फिर मैं कर लेता हूँ जिसमें डाउट होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर कर लीजिए, और इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल दे रखा है, आप इसके अंदर इसको कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, और बताइए और क्या प्रोग्रेस, पॉलिसी बिकना चाहिए आपका। एक्चुअली साल अभी दिन कम बचे हैं ना, आप टाइम देखिए, टाइम अभी हमारे पास ऑलरेडी आज 21 तारीख हो गया है, तो 21 के अंदर हमारे पास 10 दिन बचे हैं, तो साल खत्म होने के अंदर कम बचा, टाइम कम होने की वजह से आखिरी के दिनों में लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बोनस पूरे साल का मिल सकता है, ज्यादा लोगों को मिलना है विजिटिंग कार्ड, ज्यादा लोगों को। आज कितने लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड बांटेंगे? कल 5-6 लोगों को दिया था। ठीक है, आज कितने लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड पेश करेंगे?
जी आज जाऊंगा अभी। कितने लोगों को पेश करेंगे अपना विजिटिंग कार्ड? आज आपका विजिटिंग कार्ड कितने लोगों के पास पहुंचेगा? आज कम से कम 10 लोगों से करेंगे। ठीक है, बढ़िया। आप पहुंचेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी आपका सेल होने का। ठीक है जी सर। तो हम किसी को कॉन्टेक्ट करेंगे तभी हमारा सेल होगा। जी तो हमें ज्यादा करना जरूरी है। तो हमें फाइनली नाम पता चल चुका है हमारे पास। फिलहाल प्रकाश जी अवेलेबल है। प्रकाश जी, प्रकाश रंजन जी हैं कि प्रकाश शर्मा जी हैं, ये नहीं मालूम पड़ता। थोड़ा सा अपने आपको इंट्रोड्यूस करें तो अच्छा लगेगा। मनीष जी आप वापस आ चुके हैं क्या? नहीं, मनीष जी अभी भी फोन रखते गए हुए हैं। नॉट ए प्रॉब्लम, हम लोग बाकी की चीजें कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत की बात नहीं। हरिराम जी, आपका जो लोगों को कॉन्टेक्ट करने का तरीका वो क्या है? क्या हम अपना जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या हम वो बढ़ा सकते हैं? किसका? कितने लोगों को हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्या हम ज्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आप अपना विजिटिंग कार्ड जो बांटने का तरीका, बांटने के नंबर ऑफ विजिटिंग कार्ड है वही बढ़ा दो ना, आपको ऑटोमेटिकली उसी से सेल बढ़ जाएगा। यदि आप सुबह निकल के घर से बाहर आस पास के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्लब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, आप जाके इन सभी लोगों को अपना कार्ड ले जाकर अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दो। सिर्फ इंट्रोड्यूस, यदि आप सिर्फ इतना सा भी कर दो तब भी आपका रोज का एक पॉलिसी पक्का बिक सकता है, रोज का एक पॉलिसी। कल एक बंदा ऐसा मिला, क्या उसको मैं कार्ड दे रहा, समझ नहीं आया मुझे आपकी बात समझ में नहीं। दोबारा बताइए। कल किसी बंदे को मैं कार्ड दे रहा था। आपके बैकग्राउंड में शोर इतना ज्यादा आ रहा है कि आप जो भी बोल रहे हैं ना वो बीच में अटक जाता है, पीछे बीच में शोर आता है, तो समझ में नहीं आता है। सर कल मैं किसी, कल आपके क्या, कल सर मैं किसी को कार्ड दे रहा था। कार्ड दे रहे थे, अच्छा ठीक है। हाँ वो बंदा कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। हाँ कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। कार्ड देते समय साथ में क्या बोलना है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप वैसे ही किसी को कार्ड दोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएगा, मुझे नहीं चाहिए। आप कार्ड देते समय उसको बोलोगे सर, बोलो बताओ बताओ। वैसे नहीं, शॉप थी वहां, चार पांच लोगों को बात हुई। हाँ वैसे के लिए। हाँ तो उनको मैंने कार्ड, अब वो बंदा शॉप पे आ गया। हाँ उसने भी सुना। हाँ तो मैंने कैसे, वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई टैक्स लग जाएगा, कार्ड लेने में क्या दिक्कत है, आपको कोई सर्विस हो तो बता, कोई नई पॉलिसी करानी हो तो करा लेना, क्या लेनी। मैंने कोई बात नहीं। हाँ जी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो। आपकी बात ठीक है, एक तो थोड़ा सा ना अपने डायलॉग को बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने डायलॉग पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि अपने डायलॉग को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जब आप कार्ड दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदे की बात बोलनी है। आपने ये बोला नई पॉलिसी करा लो, नई पॉलिसी कोई कोई फायदे की बात नहीं होती है। आप नई पॉलिसी कराओ, हो सकता है एक आध आदमी इस तरीके से भी करा ले, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बात नहीं है। नई पॉलिसी करा लो, कोई सुनने में कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाली, पसंद आने वाली बात नहीं होती है। आप जब किसी को बोल रहे हैं, आप जब किसी को कार्ड दे रहे हैं, कार्ड देते वक्त आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो सुनने में अच्छा लगे, ये लोगों को पसंद आए। अभी सुनने में अच्छा क्या लगेगा, आपको कार्ड देते वक्त क्या बोल रहा है, सर मैं आपको 20 लाख रुपए देना चाहता हूँ। आप डायलॉग लिखो कि आपको कार्ड देते समय क्या क्या डायलॉग बोलने हैं, क्या बोलना है, सर मैं आपको 20 लाख रुपए देना चाहता हूँ। कैसे आप कुछ भी बोलोगे ना, बदले में उसको जवाब आना चाहिए कैसे, सर मैं आपको रिटायरमेंट के टाइम पे हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन देना चाहता हूँ, जिंदगी भर 100 साल की उम्र तक आपको हर महीने 25,000 आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। समझ आया? जी सर। यदि आप किसी को बोलोगे कि जी नई पॉलिसी के लिए, तो नई पॉलिसी के लिए लोग कार्ड ले भी लेंगे, मना भी कर देंगे, कुछ लोग लेंगे कुछ लोग मना करेंगे, लेकिन उसके अंदर सक्सेस की संभावना बहुत कम है। अपने डायलॉग इस तरीके के रखो कि आपका सेल गारंटीड सक्सेस वाला तरीका निकालो। गारंटीड सक्सेस वाला तरीका, आपने कार्ड दिया, अभी समझो 100 कार्ड बेचने पर, 100 कार्ड बेचने पर एक पॉलिसी बिकने का गारंटी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। समझो 500 कार्ड आपने दिया, 500 कार्ड देने पर आपका एक पॉलिसी बिका, जिस तरीके से आप कर रहे हो,
आप यदि अपने कार्ड देने के तरीके को इम्प्रूव करोगे, शायद हो सकता है आपको एक पॉलिसी बेचने के लिए 500 कार्ड ना बांटने पड़े, शायद सिर्फ 300 कार्ड के अंदर आपका एक पॉलिसी बिक जाए। आप अपना कार्ड वर्सेस पॉलिसी सेल ऐसा कुछ रिलेशन बना के रख सकते हो। इसी बहाने आपका लोगों से बात तो हो रहा है ना, इसी बहाने कम से कम डिस्कशन तो हो रहा है ना, इसी बहाने कम से कम संपर्क तो हो रहा है ना, इसी बहाने कुछ ना कुछ बात तो आगे बढ़ रही है ना, कभी ना कभी तो कराएगा ना। जी सर, आपने उसको बिल्कुल कार्ड के ऊपर कुछ काम की बात होगी तो कराएगा। आपके कार्ड के ऊपर ऐसी कौन सी फायदे वाली बात लिखी हुई है कि जिसको पढ़ के उसका दिल करे कि हाँ मैं पॉलिसी कराऊं? क्या आपके कार्ड के ऊपर ऐसा कोई लीफलेट या तो छपवा लो, वरना टोटल मेरे पास 57 तरीके के लीफलेट पड़े हैं, 57 तरीके के लीफलेट विनीता के पास से या तो मेरे पास से आप ले सकते हो। जी सर, कल देखता हूं। ऑलरेडी छपे हुए हैं। आप उसके ऊपर या तो अपना स्टैंप लगा सकते हो या तो अपना फोन नंबर एड्रेस नाम लिख के आप लोगों को दे सकते हो। लेकिन लीफलेट देते वक्त भी सेम बात का ध्यान रखना है। लीफलेट लेकर आदमी उसको कूड़े में फेंकेगा, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, इसकी बजाय आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो कि उसको सुनने में अच्छा लगे। लीफलेट देते वक्त आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यदि आप अपने लीफलेट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे तो उसको पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ज्यादा लोग पढ़ने लगते हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपका कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये 10 लाख का फिगर कहाँ से निकाला आपने? आपने किसी को बोला कि आपका कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए? ये कैसे पता लगाया आपने कि 10 लाख का ही होना चाहिए? ये पता कैसे लगाया? वो तो सर उनसे बात हुई तब पता लगाया। वो कैसे निकाला? वही तो मैं कैलकुलेशन आपका तरीका मैं जानना चाह रहा हूँ कि 10 लाख का कैलकुलेशन कैसे किया आपने कि 10 लाख का ही होना चाहिए, ये कैसे पता लगाया? वो तो मैंने सर 936 का कैलकुलेशन किया था, 49 एज थी। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। और भी ढेर सारे तरीके हमारे पास कैलकुलेशन के हैं कि जिसके अंदर जो टोटल आता है वो 10 लाख से ऊपर आता है। आप वो वाले तरीके भी सीखेंगे तो आपका 10 लाख से बड़ा पॉलिसी भी बिक सकता है। उन्होंने बोला कि 2-3 महीने के अंदर उनका एलआईसी खत्म होने वाली है, उसके बाद आपको फोन करना है। फोन तो करता नहीं है, फोन तो हमेशा हमें करना पड़ता है। तो 2-3 महीने में खत्म होने वाली है। हाँ जी, बीच में उनसे मिल लूंगा मैं। बढ़िया, 522 चलाते हैं। ठीक है, बढ़िया। उनका पॉलिसी जो खत्म होने वाली है, मैच्योरिटी होने वाली है, मैच्योरिटी के कितने दिन पहले आप मैच्योरिटी के कागज ब्रांच में जमा करा सकते हैं? मैच्योरिटी के कितने दिन पहले? 1 महीने पहले करा सकते हैं सर। 3 महीने पहले? जी, मैच्योरिटी के 3 महीने पहले आप ब्रांच में जमा करा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि यदि 2-3 महीने में खत्म होने वाली है, तुरंत उनके पेपर लो, उसी समय उनके पेपर ले लो ना। पेपर क्यों छोड़ के आ रहे हो आप? 2-3 महीने बाद बात करोगे, 2-3 महीने तक उनको 20 नहीं खर्चे चले जाएंगे। एक महीने पहले जमा करा सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिए। 1 महीना पहले जमा नहीं करा सकते, 3 महीना पहले जमा कराते हैं। मैच्योरिटी और मनी बैक की लिस्टें मैं आपको 3 महीने पहले भेजता हूँ। LIC से आपको ईमेल मैच्योरिटी और मनी बैक का 3 महीने पहले आता है। 1 महीने पहले तो आता ही है, 3 महीने पहले आपको रिमाइंडर आता है LIC की तरफ से, इस आदमी का मैच्योरिटी है, इस आदमी का मनी बैक है। ये सब रिमाइंडर आपको 3 महीने पहले आने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी तो 4 महीने पहले आने शुरू हो जाते हैं। आपको 3 महीने पहले कागज BOC एडवांस BOC कितने टाइम पहले आप मैच्योरिटी के अंदर से बनवा सकते हो? इसका तो नहीं सर पता। 3 महीने पहले आपने मैच्योरिटी के साथ में फॉर्म भर के दिया या तो लेटर लगा के दिया कि मेरी मैच्योरिटी में से नई पॉलिसी कर दीजिए। आपने लेटर लिखा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ये मैच्योरिटी हो रही है मेरी, इस मैच्योरिटी में से आप इतने रुपए का नया BOC बना दीजिए, बाकी का पैसा मुझे भेज दीजिए, या पूरा पैसा डिडक्ट करना है तो आप उसमें लिखो कि पूरा पैसा का BOC बना दीजिए, या कुछ पैसा और ऊपर से डालोगे तो उसमें लिखो जी। हाँ जी, बताइए, बताओ सर। 3 महीने पहले BOC बना देंगे भाई? 3 महीने पहले बन जाती है एडवांस में, 3 महीने पहले BOC बन जाती है, BOC के ऊपर तारीख लिखी जाती है 3 महीने बाद की। आप उस BOC का इस्तेमाल 3 महीने बाद कर सकते हो, ये काम हम रोजाना करते हैं। जी सर, थैंक यू। इसीलिए लगातार सीखना जरूरी है, इसीलिए लगातार सुबह सुबह जूम मीटिंग किया जाता है, सुबह सुबह टाइम से मीटिंग में आना जरूरी है, इसीलिए लिखना जरूरी है। हमने आज मीटिंग में क्या क्या सीखा, इसीलिए लिखना जरूरी है। हम कहीं भी गए, हमने उस आदमी से क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, क्या क्या जाना,
वो सारी बातें इसलिए लिखना जरूरी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रजिस्टर रखो, डायरी रखो। हाँ बोलिए जी जी, कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं सर नहीं। तो मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ, रजिस्टर रखो, कॉपी रखो, पेन रखो, पेंसिल रखो, नोटबुक रखो, नोट पैड रखो, ये सब बातें क्यों बोलता हूँ? बातें करने के बाद। हाँ जी है, मेरे पास बुक है। हाँ कॉपी रखो। कौन सी बुक है आपके पास? कॉपी है, कॉपी में लिख लेता हूँ। कॉपी में जब आप किसी के पास गए हैं, आपको डेट लिखना है, टाइम लिखना है, आप उसके पास गए, जैसे ही आपने उसके सामने बैठे, आपको कॉपी खोल के डेट लिखना है, टाइम लिखना है, उस आदमी का नाम लिखना है, उस आदमी के बारे में सारी जानकारी लिख डालनी है, सब कुछ लिख डालना है। कोई भी चीज आपको लगता है कि इस आदमी से संबंधित काम की बात है, वो लिख डालना है। अभी आप उसके पास गए, या आपने लिखा कि इसका 2-3 महीने में पॉलिसी मैच्योरिटी होने वाला है? जी सर। आपने लिखा, बढ़िया। अब आप उसके पास जाके तुरंत उसको नया पॉलिसी दे दीजिए। 2-3 महीने बाद जब उसका पॉलिसी का मैच्योरिटी आएगा, उसमें ऑलरेडी आपको आज की डेट में तुरंत बीओसी मिल जाएगा, तुरंत बीओसी मिल जाएगा कि भाई इस आदमी को 2-3 महीने बाद जब आज का मैच्योरिटी आएगा, 2-3 महीने की बाद की डेट का आपको बीओसी आज ही मिल जाएगा। और ये वाला बीओसी लगा के आप अपना वो जो पेपर जो आप लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर भी ये वाला बीओसी का डिटेल लिख सकते हैं कि देखो जी इसका मैच्योरिटी हो रहा था, उसमें से मैंने नया पॉलिसी इसका कर डाला। हाँ जी, आज बात करता हूँ उनसे, उनके पेपर लेके करवा देंगे। फिर विजिटिंग कार्ड बढ़ाइए, ज्यादा लोगों को कार्ड बांटिए, जो भी नजर आए हर एक को कार्ड बांटिए, लेकिन कार्ड बांटते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा डायलॉग जरूर बोलिए कि जो सुनने में अच्छा लगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बोलिए कि जिसके कारण वो कार्ड को फेंके नहीं, जिसके कारण वो आपकी बात को ध्यान से सुने। तो हम लोगों को 38 मिनट हो गए हैं, 38 मिनट से हमने ढेर सारी बातें करी। तो हमारे पास मनीष काम्बोज जी और प्रकाश जी भी हैं, तो क्या मनीष जी या तो प्रकाश जी भी कुछ बात करना पसंद करेंगे? आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, यदि आप कुछ बात करना चाहेंगे तो आपको माइक ऑन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ने मीटिंग तो लॉग इन कर दिया है, लिंक पर तो क्लिक कर दिया है, लेकिन उसके बाद कहीं चले गए हैं, या तो फोन चार्ज में रख के चले गए हैं, या तो कुछ और काम में बिजी हो गए हैं। सो कोई बात नहीं, जैसे भी उनकी इच्छा, जैसे भी उनको चलाना है वैसे चलाएं। तो हरिराम जी, आखिरी के अभी 11 दिन बच गए हैं साल खत्म होने के अंदर, 21 से लेकर 31, 11 कहाँ है, 10 दिन बचे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये वाले 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा शानदार होते हैं। इन दिनों में हर कोई बीमा कराने को तैयार होता है, पूरे साल का बोनस आपको इसके अंदर जुड़ के मिलता है। जी सर, कल मैंने वो कृष्ण बिहारी शर्मा जी थे जी, उनसे यही बात हो रही थी, जिनको 936 समझाया। ये कौन है कृष्ण बिहारी शर्मा, कौन है? वो संगम बिहार में रहते हैं। अच्छा, संगम है, ओके ठीक है। मैंने सर, अभी आप कराते हैं तो आपको पूरी साल का बोनस ऐड हो जाएगा। बढ़िया, तेरे में पैसा हो जाएगा। मैंने कहा सर ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें पूरी साल का बोनस। तो फिर उन्होंने प्लान समझा, फिर जो है चले, मैं 2-3 दिन में बताता हूँ आपको। तो आज उनसे फिर बात करूंगा जी, आज उनसे फिर बात करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उनसे बात कर लीजिए। और लीफलेट मेरे पास 57 अलग अलग तरीके के लीफलेट अवेलेबल है, वरीता जी के पास या तो मेरे पास। और लीफलेट के समय या तो विजिटिंग कार्ड देते समय कुछ ना कुछ ऐसा जरूर शानदार बोलें जिससे कि आपको दूसरे आदमी की सुनने, उसको पहला सेंटेंस आपका पसंद आए, आपकी बातें उसको पसंद आनी चाहिए, आपकी शक्ल उसे पसंद आनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी उसको पसंद आनी चाहिए, आपके कपड़े पहनने का ढंग और कपड़े उसको पसंद आने चाहिए, आपका सब कुछ उसको पसंद आना चाहिए। जब आपका कुछ ना कुछ उसको पसंद आएगा तभी कोई आपकी बात सुनेगा। बिल्कुल सर, तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि दूसरे व्यक्ति को हमारी सारी की सारी बातें पसंद आए। एंड रिजेक्शन सेल्स के काम में नेचुरल है। रिजेक्शन का मतलब आपने कुछ बोला और उसने नहीं माना, तो ये सब नेचुरल है। तो उसने आपकी बात को मना किया है,